ये क्या किया सबसे पहले मिट्टी को? सबसे पहले इस मिट्टी को जी बारीक बना, मोटी को। ठीक है, बिल्कुल बारीक कर दिया जी। छानी भी है लगता है। हाँ, फिर इसको छाना गया। ठीक है, उसके बाद इसको मिट्टी को पानी में भिगो के और थोड़ा हल्का जैसे आटा सा होता है रोटी बनाने के लिए, आटे से भी बेहतर बनाना पड़ता है इसको। ओ, इतना गूथना पड़ता है? कितनी देर तक गूथते हैं इसको? इसको मिट्टी को तो जितनी बार गूथोगे उतने ही बार ये मिट्टी तैयार होगा। तो ये है पहला स्टेप। थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। गूथ लिया, इसको इकट्ठा किया। ये इसको क्या बोलते हैं, पिंड? इसको पिंडा बोला जाता है। पिंडा बोला जाता है इसको। देखिए, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। हाँ। ये जो पहला ये तैयार हो गया शिवलिंग जैसा, जी, इसको बोलते हैं पिंडा। जितना आसान दिखता है हमें बर्तन बना हुआ, इसके पीछे ये मेहनत तो किसी बहुत ही कम लोगों को पता है। चाक चला लिया इन्होंने, ठीक है, और ये पिंडा शेप देना शुरू कर दिया इन्होंने अपने कारीगरी वाले हाथों से। पानी जैसे रोटी बनाते हैं पानी भी लगाते हैं हाथ में, ऐसे देखिए शेप तैयार हो रही है। ये एक हुनर वाले हाथों से शेप दी जा रही है। और ये धागे से काटा जाता है, धागे से इसको काट के उतार लिया। वाह। और ये देखिए वो बाती का वो इन्होंने बना, ये दिया हमारा तैयार हो गया। अच्छा, अब एक ही जगह है। अच्छा, देखिए ये है आवा की जगह जहाँ पर मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। ये तैयारी चल रही है। ये आ गए हैं मिट्टी के कच्चे दिए, यहाँ पर आवे में अब इनको पकाया जाएगा। करते रहिए आप अपना काम, मैं दिखाता रहूंगा। करते रहो, उतरवाइए इनको। ये हाथ से बनाए हुए हैं। आपकी मम्मी और सब परिवार ने मिलकर बनाए हुए हैं। अब फिर यहाँ पर ये पराल होती है, इसको बिछाया और ये इधर फिर ये गोसे फोड़े जा रहे हैं उपले, इनको इस पर लगाया जाएगा। उपले लगा दिए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, दियों को इनके ऊपर रखा जा रहा है। ये बड़े ध्यान से आराम से रखते हैं ताकि फूट ना जाए, क्योंकि कच्चे हैं। सूखे बेशक हैं लेकिन हैं कच्चे। पके हुए लग रहे होंगे लेकिन ये रंग है इन पर किया हुआ है। और उनको भी वापस सजाया जा रहा है, रखा जा रहा है। उल्टा करके रखते हैं बाबूजी के बर्तन को, उल्टा करके। ये इन्होंने क्या किया, ये दिए, फिर ऊपर ये उपले गोसे, फिर ये पराल बिछाई। और ये है लकड़ी का बुरादा और इसमें क्या है, घोड़े की लीद मिला के। हाँ, ये इसके ऊपर मिक्सचर सा बना के इसको कवर कर देंगे। और ये लास्ट प्रोसेस हमारी चल रही है। हाँ हाँ, तो ये देखिए, ये है असली प्रोसेस जो शायद ही आज तक आपने देखी होगी कि दिए कैसे बनते हैं। एक दिया छोटा सा दिखने वाला और उसके पीछे इतनी बड़ी प्रोसेस, इतनी बड़ी मेहनत। और ये आग भी एक दिन तक लगातार जलेगी। ये कितने घंटे बाद खुलेंगे? ये कल सुबह, यानी कि एक रात से भी ज़्यादा, या करीब 15-16 घंटे। और बड़ा बर्तन, दिए से बड़ा बर्तन बोल रहे हैं, दो रात चाहिए, दो दिन। हाँ, दो दिन लगते हैं उसमें। हैं और बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। माँ जी ने आग भी रेडी कर ली है। माँ जी ये उसी के लिए तैयार करी आग है? इन्होंने आग सुलगाई हुई है इन उपलों में, गोसों में के टुकड़ों में। इसको इन्होंने यहाँ, ये घड़े का जैसे मुंह होता है उसका, खाली मुंह है टुकड़ा उसका, उसके अंदर इसको रख दिया। अच्छा, तो आग पूरी तेज नहीं जलेगी, ऐसे हल्की हल्की धीमी आंच पे पकेंगे ये। रात को तेज हो जाएगी, अंदर चली जाओगी सारी आग। अभी अंदर चली जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, बस ऐसे करके छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं बढ़िया तेज वाली आग नहीं जलाते? नहीं। अच्छा, धीरे सब फैल जाएगी, रात को तेज हो जाएगी इसमें पूरे में। ये हमारा लास्ट वो था। अब अपने आप धीरे धीरे आग फैलती रहेगी। सुबह पक जाएगी, सुबह उतार लेंगे, निकाल लेंगे।
फार्म हाउस के लिए आए स्टील के बर्तन, ऐसा बोलते हैं इनका क्या करेंगे? खूब बात कर रहे, मेहनत नहीं देखते लोग कि इसके पीछे कितनी लगी हुई है, पूरे परिवार लगा रहता है, ये देखिए सब कुछ हाथ से काम हो रहा है। मनोरा पक्का ना भी पक्का खराब भी हो जाए, बोल रहे हैं कि काफी, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे पके खराब भी हो सकते हैं। मेहनत तो देखिए कोनी कुछ बहुत मेहनत है इनमें, इनमें ना कितने मेहनत लग रही है, लोगों को नहीं पता, यही हम दिखाना चाहते हैं। लोग तो कोई नुको 50 ले ले, कोई को 40 ले ले बर्तन के। अच्छा मिट्टी के तो बर्तन है ये, क्या लग रहा है इनका, क्या लग रहा है, ऐसा बोलते है। मात्र एक छोटा सा दिया बनने के पीछे भी कितनी मेहनत है, लागे रहा रात को, रात दिन को में ये काम करते, रात को ये बनाते हैं। ना देखिए तू माटी बनाओ घरों छत पे, दिन में मतलब ये 24 घंटे का काम है जी, दिन में ये बनाते बड़े बड़े, रात को बैठ का ये बनाते पूरे पूरा परिवार मिलकर, छोटे बच्चे माम लगा कर। अच्छा